सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ में घंटे का बटन भी दबाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 2019 की लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा फैसला लेते हुए उच्च जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। सोमवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर उच्च जाति के लोगों को भी आरक्षण दिया जाएगा। इस फैसले के बाद आरक्षण का कोटा 49.5% से बढ़कर 59.5% हो जाएगा। हालांकि अभी यह केवल ऐलान भर है, जिसके लिए संविधान में संशोधन बिल पास कराकर कानून बनाया जाएगा। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि 10% सवर्ण आरक्षण के लाभ लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूर होंगे। दोस्तों, केंद्र सरकार के फैसले के मुताबिक ये आरक्षण का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण समाज के लोगों को ही मिलेगा। 10% आरक्षण के दायरे में आने वाले और इसका लाभ लेने के लिए अभ्यर्थियों के पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए, उसकी सूची कुछ इस प्रकार से है। पहले नंबर पर आती है 8 लाख रुपए या इससे कम की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र होना जरूरी। दूसरे नंबर पर है जाति प्रमाण पत्र का होना जरूरी। तीसरे नंबर पे है BPL राशन कार्ड का होना जरूरी। चौथे नंबर पे है पैन कार्ड। पांचवे पे है आधार कार्ड, बैंक की पासबुक और आयकर रिटर्न। तो ये 7 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए अगर आपको इसका लाभ लेना है। और आज की वीडियो में इतना ही, और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।